हमारा मंदिर है, काशी मंदिर है, हमारे महादेव ने वहाँ पे अपना आकार ले लिया है, बस बात खत्म। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ फैजान मुराद। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में अभी सर्वे चल रहा है, लगातार 5 दिन से वहाँ पे सर्वे चल रहा है, लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ से अभी सामने में निकल करके आ रही है और हमारे देश के मीडिया उसे अब लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे में जिस तरह से हमारे देश के मीडिया उसके बारे में दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई त्रिशूल दिखा रहे हैं, कोई भगवान का किसी फोटो को दिखा रहे हैं, तो कोई किसी शिवलिंग को दिखा रहे हैं, तो दोस्तों मैं सीधे बात में यही कहूँगा कि जितने भी चीज़ दिखाए जा रहे हैं ये सरासर झूठ है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो सर्वे किया जा रहा है वो पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया जा रहा है, पूरी तरह से मतलब अंदरूनी से किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी ज्ञानवापी में सर्वे किया जाएगा, जो चीज़ भी वहाँ से निकली जाएगी, वो सारे चीज़ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के पहुँचेगा, वो पहले उसकी फाइल पहले कहीं पर भी नहीं खुलेगी और पहले किसी को भी नहीं पता चलेगा कि चलेगा कि वहाँ पे क्या था, क्या है और क्या रहेगा, लेकिन डायरेक्ट जब इस केस को फिर लड़ा जाएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के ये बात फिर जा कर वहीं खुलेगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे उठ के आती है कि आखिर कोई चीज़ अभी तक सामने में निकल कर के नहीं आया, तो हमारे देश के जो गोदी मीडिया है वो कौन ऐसा चीज़ है, कौन ये सब जो चीज़ दिखाया जा रहा है, कभी त्रिशूल दिखाते हैं, कभी किसी भगवान की फ़ोटो दिखाते हैं, तो कभी फिर शिवलिंग को दिखाते हैं, आखिर ये लोग इस चीज़ को कहाँ से पाते हैं। तो दोस्तों, अंजुमन इस्लामिया मदरसा के वकील जो है वो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें जो मीडिया में दिखाई जा रही है ये एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है और लोगों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है, और जो भी चीज़ दिखाई जा रही है वो पिछले साल का है, पिछले बार का है, पिछले बार जिस तरह से कमीशन बोर्ड ने जिस तरह से सर्वे करा था वो उसका है, लेकिन इस बार ASI ने सर्वे कर रही है और ये पूरी तरह से गुप्त तरीके से कर रही है। उसी बात को जो मदरसा बोर्ड के जो वकील हैं वो अखलाक अहमद, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से मीडिया वाले जो त्रिशूल को दिखा रहे हैं वो दरअसल त्रिशूल नहीं, उसे हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह दरअसल है, और उसे लोग मीडिया वाले जो हैं उसे त्रिशूल बताया जा रहा है, और वो इस बार का नहीं है, वो पिछले बार जिस तरह से सर्वे किया गया था कमीशन के द्वारा वो पिछले बार का है, इस बार का नहीं है। लेकिन हमारे जो देश के गोदी मीडिया हैं वो किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं और किस तरह से सिर्फ फर्जी खबर छाप छाप करके लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। मदरसा बोर्ड के जो वकील हैं वो वाराणसी कोर्ट में एक अपील भी करते हैं कि जिस तरह से मीडिया वाले एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक गलत खबर को चला रहे हैं और गलत खबर के जरिए TRP बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को रोक लगाया जाए, क्योंकि इस बार का किसी भी चीज़ को लीक नहीं किया गया है, ये चीज़ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के वहीं पे फैसला होगा जो कुछ भी होगा, लेकिन ये मीडिया वाले जो हैं वो पहले से इस तरह का बात कर रहे हैं और पहले से इस तरह का गलत न्यूज़ को फैला करके किस तरह से लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो आखिर गोदी मीडिया ही रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ फैजान, आप देख रहे हैं सच के साथ।